आप जब इन्फेंट लेने आते हैं तो आपको 100% खाबा एक ऐसी नई ईजाद मिलेगी जो अभी हाल ही में उभर की गई। साजिद खान ये इसके ओनर हैं और इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेहद इज्जत और एहतराम वाला मुकाम पाया। आइए से बात करते हैं सर, कैसे हैं आप? लेकिन आपने कौन सा ऐसा किया कि जब उठता है बंदा वो नाश्ते की तलाश में होता है और नाश्ता जब खाबा पे होता है तो एक अजीब और खुशी होती है, ये जो फीलिंग है ये आपने अपनी फीलिंग लोगों में कैसे कन्वर्ट की? ये कि इस चीज़ की कमी थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा यहाँ पर मक्की के रोटी, सरसों का साग, इस तरह के जो लोग खाना खाया करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जाके पाए हैं, जैसे कि बिहारी है, गरीब है, पराठे हैं, आलू पराठे हैं, मूली पराठे हैं, लच्छा पराठा है, तो इसी तरह बहुत सारे पराठे हैं जो कि नहीं मिला करते लोग, मिला करते जो फ्रोजन है, फ्रोजन को सीधा पीधा करके तो आपने गर्म करके दे देना, तो ये तो पराठा नहीं ना हो, पराठा वो है जो आपको फ्रेश बन के आए, फ्रेश जो आपको प्लेट में आए और फ्रेश फ्रेश पाए और लच्छी का, लच्छी का गिलास और पेड़े वाला, तो वो भी एक नए अंदाज से हम लोगों ने पेश किया है ताकि लोग भी है उसका वो लुत्फानंदोज हो जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर आपको दे सकता है। ये पराठा हवा ये भी बस पंजाब को नहीं आपका काम करती है, ताकि पंजाब के जो वो लोग जो इस चीज़ से मरूम थे कि हमें ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिला करती, हम उनको वही की वही इकट्ठा करके इनको लैन के ऊपर लेके आ गए हैं ताकि इस चीज़ की कमी थी पूरे इंग्लैंड के अंदर, तो हम वही चीज़ें ला के आपको दे दी हैं। तो फिर हलवा पूरी है सुबह 8 बजे आए चाहे रात को 11 बजे आए, आपको वो भी यहाँ पर आपको ऐसी भी चीज़ मिलेगी जो कि आपको अक्सर जो है ना दोपहर तक मिला करती थी, उसके बाद आपको नहीं मिला करती थी नाश्ता दीजिए, तो हमने ओल्ड डे ब्रेकफास्ट कर दिया, ओल्ड डे नाश्ता है, देसी नाश्ता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और जब भी उठते हैं जब भी जाके नाश्ते वाली वो चीज़ें हैं जो आप रात को भी खाते हैं, जैसे हलीम है, जैसे कि पाए हैं, जैसे कि आपने देखा कि साग है, सरसों का साग है, आप किसी वक्त भी खा सकते हैं, पर हमने एक नाश्ते वाले आइटम में है, आप सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, इसीलिए हमने एक कंसेप्ट लेके आए हैं ताकि लोग जो है ना इससे रोज हों पूरा लगे। लंदन में इन्फेंट लेन पाकिस्तानियों की शान है और पाकिस्तानी खुशबू इस लेन पे भी खींच रही, आपने इन्फेंट लेन ही था क्यों चला? क्योंकि ये पाकिस्तान है, इन्फेंट लेन पूरा का पूरा ये लिटिल पाकिस्तान, तो आप कहीं पर भी चले गए पूरे इंग्लैंड के अंदर, जब आप इनपुट लेन पे आते हैं तो आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान में आ गया, तो ये पाकिस्तान की खुशबू है, हर दुकान के ऊपर जाएंगे आपको पाकिस्तान की खुशबू आएगी, पाकिस्तान का एक वो स्टाइल आपको मिलेगा जो कपड़ों से लेकर खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर, आटे शटे ये वो सब वही चीज़ें मिलती हैं जो पाकिस्तान की हैं, और कहीं से भी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पूरे इंग्लैंड में इन्फो लैंड है ना वो इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी स्टोर है, यहाँ पर आपको मिलेंगे, और पाकिस्तानी स्टोर वो वाली है कि पाकिस्तानी जो आइटम है पाकिस्तानी जो होंगे वो आपको यहाँ पर दस्तियाब है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के टेस्ट से आपके पास पाकिस्तान का टेस्ट देना चाहते हैं तो इन्फो लैंड पर आएँ, तो एक तो खाबा है, खाबे के अलावा और भी दुकानें हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी आपने कुछ चीज़ें बाय करी हैं, तो शॉपिंग भी करें, मशरूबात भी हैं और पाकिस्तान की शॉपिंग भी यहाँ पर, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्फेंट लेन का पसंद है और आप मेरे पाकिस्तान की खुशबू का दूसरा पसंद है। सच सच कम्युनिटी को क्या करें, ये ब्लॉग पूरी दुनिया में, बट इन्हीं इन पाकिस्तानी की वजह से आज हम वो वही हैं कि जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान को ये रोड रिप्रेजेंट करता है तो पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मैं चाहता हूँ कि जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तानियों को एक जो है ना छोटा सा मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी रहें खुश रहें आबाद रहें और पाकिस्तान की याद रहें और पाकिस्तान को याद करते रहें, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान करें। ये जज्बात एक सरबंद पाकिस्तानी के सरबंद खान के साथ, साजिद खान मेरे वतन की पहचान है,
दुनिया में जहाँ बैठे हुए आप ये व्लॉग देखें, प्लीज जब भी कभी लंदन आए तो हाजर खान मेरे दोस्त की हॉस्पिटलिटी का हमेशा जो है कि यहाँ तक खाबा आपको हमेशा लाहौर की याद ताज़ा करेगा। फिर आए बड़ी शख्सियत लाइक साजिद खान, मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।